सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चलती है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, इंडिया भर में लगभग 45 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एडमिशन के लिए ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये एंट्रेंस टेस्ट खास तौर से जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन के लिए लाया गया है। अब तक के इन तमाम यूनिवर्सिटीज में या तो उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता था, जैसे कि JNU का अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता था, या फिर बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे, प्लस टू बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे ये एडमिशन दिया करते थे। लेकिन अब CUET आने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो एडमिशंस होने हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही लिए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स के जरिए से इनमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटी है विद सम एक्सेप्शंस, इनके सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अब एडमिशन CUET के जरिए ही होना है। तो क्या इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिर्फ CUET के स्कोर्स के बेसिस पर लिया जाएगा? तो जवाब है नहीं। सभी यूनिवर्सिटीज के अपने अलग अलग एडमिशन क्राइटेरिया होंगे, जिसमें कुछ वेटेज बोर्ड एग्जाम्स को दिया जाएगा और कुछ वेटेज CUET को दिया जाएगा। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज में अपने अपने क्राइटेरियाज के हिसाब से एडमिशन होंगे। यानी ये जो CUET होगा ये एग्जाम तो कॉमन होगा, लेकिन इसकी मेरिट लिस्ट और इसकी काउंसलिंग जो होगी वो तमाम यूनिवर्सिटीज अपने अपने लेवल पर करेंगे। इसमें कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। CUET एग्जाम तो कॉमन लिया जाएगा, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये आपको सेपरेटली यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर या इन पर्सन जाकर अप्लाई करना होगा। आपको JNU के लिए अलग से अप्लाई करना होगा, HCU के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा, IFLU, मानू, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आपको इसका एप्लीकेशन प्रोसेस सेपरेटली करना होगा। तो ये CUET एग्जाम कब होना है? एस्टिमेटेड ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जुलाई के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। April 6 से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस May 6 तक कंटिन्यू होगा। ये पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इसके लिए आपको CUET की जो वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा। UGC ने बताया है कि CUET एग्जाम 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। ये 13 लैंग्वेजेस में इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो, ओडिया हो, बंगाली हो, इस तरह से 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपका जो बोर्ड एग्जाम आपने कौन सी लैंग्वेज में अपीयर किया है उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके सेंटर्स जो होंगे ये पूरे मुल्क में होंगे, आपको कोई एक पर्टिकुलर सेंटर पर जाकर नहीं देना होगा, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली आपके ही सिटी में या आपके सिटी के आसपास में ही इसका कोई सेंटर होगा। CUET एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ये पेपर पेन वाला एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपको जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठकर क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। एंड इट विल बी एन MCQ बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस का इंतखाब करना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक नया एग्जाम UGC की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि कॉमन एग्जाम है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। लेकिन ये एग्जाम जो है सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक के महदूद नहीं है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वो भी शायद इस एग्जाम को अडॉप्ट करना चाहती हैं, लेकिन अब तक के इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेटेड रखें कि कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी CUET को अडॉप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। साथ ही विद इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज अब भी जो अब एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है, जो एग्जिस्टिंग एडमिशन प्रोसीजर है, इसी के थ्रू होंगे। फॉर एग्जाम्पल जामिया मिलिया इस्लामिया को UGC ने इस बात की परमिशन दी है कि वो सिर्फ 10 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो CUET के बेसिस पर उसका एंट्रेंस ले, बाकी के जो 50 कोर्सेज हैं उनका एडमिशन जो जामिया का एग्जिस्टिंग एंट्रेंस टेस्ट है उसी के बेसिस पे होगा। तो ये एक एवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें रोज कुछ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें। UGC से, NTA से जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, साथ ही जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं
उसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या है, उसका प्रोस्पेक्टस क्या है, उसकी वेबसाइट पे क्या अपडेट्स आ रहे हैं, आप जो है कंटिन्यूअसली इसके इससे अपडेटेड रहिए। सीयूईटी एग्जाम्स में जो पेपर्स हैं इसके अलावा कुछ कोर्सेज के लिए जैसे फाइन आर्ट्स, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, इन कोर्सेज के लिए कुछ स्पेसिफिक इंटरव्यूज या टेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कंडक्ट किए जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि सीयूईटी बाकी के जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट है उससे मुख्तलिफ है, उससे अलग है। बाकी के टेस्ट में हम देखते हैं यूजुअली पेपर्स जो होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, कंपलसरी पेपर्स होते हैं जो आपको देने होते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके मुताबिक आपको पेपर्स चूज करने पड़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि हमें कौन से पेपर्स और कितने पेपर्स चूज करने होंगे। सीयूईटी जो एग्जाम होगा ये तीन सेक्शंस में होगा। पहला सेक्शन होगा लैंग्वेजेस का, सेकेंड सेक्शन जो होगा वो कोर सब्जेक्ट्स का होगा, और जो तीसरा सेक्शन होगा वो जनरल नॉलेज का होगा। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेजेस वाला सेक्शन। लैंग्वेजेस वाले सेक्शन को भी दो फर्दर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 1A और 1B। 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस है जो यूजुअली हम फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर जिन्हें ऑप्ट करते हैं, चाहे मलयालम हो गया, तमिल हो गया, बंगाली है, आसामीज है, इस तरह की लैंग्वेजेस है। आपको 1A में से एक लैंग्वेज में अपियर होना कंपलसरी है। आप चाहे BA के लिए अप्लाई करें, BSc के लिए अप्लाई करें, BCom के लिए अप्लाई करें, irrespective of the course and university you are applying for, आपको इसमें से एक लैंग्वेज, एक पेपर कंपल्सरीली चूज करना होगा, और आपको उस पेपर में मिनिमम 30% मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स है वो आपको उसमें हासिल करने होंगे। इस सेक्शन में एक दूसरा जो सब सेक्शन है 1B, इसमें भी 19 लैंग्वेजेस हैं। मोस्टली जो लैंग्वेजेस हैं वो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इसके अलावा बोडो है, अरबिक है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो आपको अगर आप इस लैंग्वेज के कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अरबिक में BA करना चाहते हैं, या आप स्पेनिश में या फ्रेंच में या इनमें से कोई लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसी वक्त आपको ये लैंग्वेजेस चूज करना होगा। ये कंपल्सरी नहीं है, ये सेक्शन ऑप्शनल है। जो पहला सेक्शन है 1A सेक्शन, उसमें से एक लैंग्वेज में अपियर होना आपके लिए कंपलसरी है, ये वाला सेक्शन ऑप्शनल है। लेकिन जो लोग इसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इन लैंग्वेजेस में, उनके लिए ऑप्शनल नहीं है, उनको ये लैंग्वेज चूज करना ही होगा। जो सेकंड सेक्शन है वो कोर सब्जेक्ट्स का है, और उसमें भी दो सब सेक्शन है, B1 और B2। B1 में 18 सब्जेक्ट्स है और B2 में 19 सब्जेक्ट्स है। B1 के जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे आर्ट, साइंस और कॉमर्स के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो गया, बुककीपिंग हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, सोशियोलॉजी, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं B1 में है। B2 में जो है ये कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स हैं या कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, डांस है, फाइन आर्ट्स है, तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है B2 में है। जैसा कि हमने आपको बताया कि CUET में आपको आपके जो पेपर कॉम्बिनेशंस हैं वो उस यूनिवर्सिटी और कोर्स के मुताबिक लेने हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी डिटेल में जो है उसके सारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन का क्राइटेरिया और जो पेपर्स हैं जो चूज करने हैं वो बताए हैं। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी आप यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस और उसकी वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जाम्पल ये बताया है कि अगर आपको साइंस के लिए अप्लाई करना है और साइंस में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक कंपल्सरीली लैंग्वेज चूज करना होगा सेक्शन 1A में से, और उसी के साथ साथ में आपको 3 कंपल्सरीली पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेने होंगे अगर आप BSc फिजिक्स और BSc केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वैसे ही अगर आप BSc बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंपल्सरीली चूज करना होगा। उसी तरीके से ह्यूमैनिटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में या सोशियोलॉजी में, तो उसका क्राइटेरिया ये बताया गया है कि आपको मिनिमम एक लैंग्वेज जो है 1A सेक्शन से लेना होगा और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स कोई भी जो है आप अपनी पसंद से सेकेंड सेक्शन से ले सकते हैं, लेकिन उसमें से 2 पेपर्स आपको कंपल्सरीली B1 में से लेना होगा और बाकी का एक जो पेपर है वो आप या B1 में से लें या B2 में से ले सकते हैं। यही तरीका जो है कॉमर्स के लिए है। कॉमर्स के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है
आप लैंग्वेज कंपल्सरी ले लीजिए, लेकिन उसके साथ में आप या तो मैथ्स ले सकते हैं या अकाउंटेंसी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम जो बाकी के जो दो पेपर्स हैं उसमें से एक पेपर कंपल्सरीली B1 का होना चाहिए और दूसरा पेपर B1 और B2 में से भी कोई एक हो सकता है। आखिर में कुछ स्पेसिफिक जो कोर्सेज हैं जो ये तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया है जो आपको चेक करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल BBA, BMS और BBE के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो क्राइटेरिया बताया है वो ये है कि आपको उसके लिए कंपल्सरीली एक लैंग्वेज का पेपर लेना होगा, उसके साथ साथ में आपको एक मैथ्स कंपल्सरी है, और जो थर्ड सेक्शन है जनरल नॉलेज का उसका आपको पेपर देना होगा। आपने देखा कि बाकी कोर्सेज के लिए जनरल नॉलेज का पेपर कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये जो तीन कोर्सेज हैं इसके लिए जनरल नॉलेज का पेपर भी जो है कंपल्सरी हो जाता है। उसके अलावा कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर एडिशनल टेस्ट, एडिशनल प्रैक्टिकल एग्जाम या एडिशनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, जैसे फाइन आर्ट्स है, मास मीडिया है, फिजिकल एजुकेशन है, इसके लिए एडिशनल एग्जाम्स और एडिशनल टेस्टिंग भी यूनिवर्सिटी लेवल पर ली जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के ताल्लुक से, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है April 6 से। May 6 इसकी डेडलाइन है, वो एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड आप उसके लिए अप्लाई अभी कीजिए, आप इंतजार मत कीजिए डेडलाइन का, क्योंकि ये एक अहम एग्जाम अब एक हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस हो गया है। और उसी के साथ साथ में इसका जो सिलेबस है वो जो है NCERT की जो बुक्स हैं उसके बेसिस पर होगा। हो सकता है कि आपने आपका +2 जो 12वीं का एग्जाम है स्टेट बोर्ड में दिया होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है 12th का, सिर्फ उसके बेसिस पे ये एंट्रेंस नहीं होना है, बल्कि NCERT का जो करिकुलम है, जो CBSE का करिकुलम है, CBSE का सिलेबस है, उसके बेसिस पे ये एग्जाम होना है। तो अगर आप इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको CBSE की बुक्स को, NCERT की बुक्स को रेफर करना होगा। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जाम का वो 12th है, और जो अभी तक का एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए था, यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स तीनों स्ट्रीम के लिए, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स और उसके साथ में आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो बाकी रहेगा। तो कौन से सब्जेक्ट चूज करना है तो वो आपको उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा कोर्स है और यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करें। एट द सेम टाइम आप ये भी कंसिडर कीजिए कि +2 जो है 12वीं के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपने कौन से सब्जेक्ट चूज किए थे, ताकि आप वही सब्जेक्ट्स लें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आप ज्यादा कन्वीनियंटली एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। तो उसी के साथ में जो है ये कुछ बेसिक नॉलेज थी CUET की जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम इसके अलावा भी कोशिश करेंगे कि और भी कुछ चीजें, अगर आपके डाउट्स हैं इस पूरे प्रोसेस को लेकर, कुछ और अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी हम आप तक के लाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में जो है फिर हम विदा लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।